नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि डिलीवरी के बाद अपना पेट जो निकल आता है उसे कैसे कम करें और क्या खाएं, कैसे रहें, अपना ध्यान कैसे दें कि पेट निकलने ही ना पाए। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट जब निकलने लगता है ना दोस्तों, जब पूरी तरीके से पेट निकल आता है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी कोशिश अगर आप करेंगे ना तो पेट आपका निकल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल कोशिश करिए इस तरह से। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप एक दुपट्टे से अपने पेट को हमेशा बांध के रखें। ये मैं करती थी। ठीक है, पेट क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं ना कि पेट कच्चा होता है। क्यों कहते हैं कच्चा होता है, मतलब नाजुक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए कहा जाता है पेट कच्चा होता है। तो पेट को क्या करें कि दुपट्टा एक लीजिए, कॉटन का दुपट्टा हो, उसको चौड़ा चौड़ा ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, चौड़ा करके आप अपने पेट में उसको, बहुत टाइट नहीं लेकिन बांध लीजिए। ये आप ये विश्वास करिए कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप दुपट्टा को मतलब पेट में बांधे रखेंगे ना तो पेट निकलने ही नहीं पाएगा। बिल्कुल रबड़ की तरह फूलता है, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी कैसे भी करेंगे ना तो पेट निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि भाई अब माँ बने हैं, डिलीवरी हुई है, शरीर इतनी कमजोर होती है, बच्चे को दूध पिलाना है, स्तनपान कराना है, तो भाई खाना तो पड़ेगा ही, खाएंगे नहीं तो दूध नहीं उतरेगा, बच्चे को पिलाना है भाई, उसको सेहतमंद रखना है, सिर्फ अपना तो देखना नहीं है। ठीक है, पहली चीज क्या है, दुपट्टे से पेट को बांध के रखना है। दूसरी चीज क्या है, भूल से भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, मतलब कि नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी को भी आप गुनगुना करके ही पीजिए। मतलब एकदम गर्म वाला मत पीजिएगा कि जो सिप सिप करके पीते हैं, उसे अभी मत पीजिएगा आप, क्योंकि अगर अभी सिप सिप करके पानी गर्म वाला चाय की तरह पियेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। तो जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आपको गुनगुना पानी ही पीना है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको अपने जहन में उतार लेना है दोस्तों कि 3 महीने लगातार आपको एक भी दिन चावल नहीं खाना है, चावल का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो मैं बता रही हूँ कि पेट बड़ा कच्चा होता है, मतलब बड़ा कमजोर होता है, तो चावल जब जाता है ना पेट में तो चावल क्या होता है, पानी होता है, पानी से मतलब बहुत ज्यादा फैट बढ़ता है और पेट आपका एकदम निकलने लगता है, शरीर को फुला देता है और फिर बाद में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इसे कम करने के लिए। तो आपको चावल को त्याग देना है। चावल की जगह में आप क्या खा सकते हैं, दलिया बनवाइए, दलिया बनवाइए, दलिया को आप दाल के साथ खाइए। ये खाना इतनी ज्यादा हेल्दी है आपके लिए कि आप यकीन नहीं मानेंगे। रोटी अगर नहीं खा रहे ना तो आपका वेट वैसे भी नहीं बढ़ेगा। जितना ज्यादा हो सके तीनों टाइम आपको दाल खानी है। अगर आप दाल नहीं खाएंगे तो आपको सोच लीजिए कि बच्चे के लिए दूध के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, दूध नहीं उतरता है, दूध नहीं बनता है। दूध बनाने का सबसे जो अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी चीज जो है वो होती है दाल, या तो मिला के खाइए या तो तुअर दाल, मतलब अरहर की दाल, बिना घी डाले आप दाल नहीं खाएंगे। अपने सेहत का आपका पूरा ध्यान रखते हुए आपको, ये नहीं है कि मतलब डाइट फॉलो, डिलीवरी होते ही आप डाइट फॉलो करना शुरू कर दीजिए, खाइए नहीं, पीजिए नहीं, तो दूध कैसे उतरेगा। हम लोग तो बहुत कुछ ऑप्शन है खाने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए तो सिर्फ दूध ही है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग को खाना पीना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं खानी है आपको, बाहर की कोई चीज नहीं खानी है कि जैसे कि ये पास्ता हुआ, मोमोस हुआ, ब्रेड हुआ, जो व्हाइट ब्रेड होती है, नहीं खाना है आपको। दाल किसी भी कीमत पे तीनों टाइम आपको दाल लेना है, बिना घी डाले आपको नहीं खाना है। सुठैला बनता ही बनता है, आप सभी जानते हैं कि सुठैला, जब भी आप सुठैला खाएं दूध के साथ खाएं, एक गिलास उसके साथ दूध जरूर लीजिए, इससे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। इससे कोई पेट उठ नहीं निकलता है, लेकिन इससे दूध बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो बच्चे का पेट खूब भरेगा तो बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा। अपना सेहत के साथ साथ बच्चे का भी पूरा ध्यान देना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों कि जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। ठंडा पानी अगर आप पियेंगे तो आपको जुखाम हो जाएगा, आपको खांसी आने लगेगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, शरीर आपकी बिल्कुल कच्ची है, मतलब कि कमजोर है, तो ठंडा पानी पियेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगी, पक्का है ये चीज।
और सबसे बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको बाल से ज्यादा नहीं नहाना है कि सर रोज आपको धोना है और बहुत ज्यादा नहाना, चाहे गर्मी है फिर भी आपको बाल से ज्यादा नहीं नहाना है। अगर आप सर से नहाएंगे तो आपको सर्दी पकड़ेगी ही पकड़ेगी, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर है। और ये बिल्कुल कोशिश नहीं करना है कि सुबह उठ करके आपको जल्दी जल्दी नहाना ही है, तब तो आपको पूजा उजा भी नहीं करना है। अपना ध्यान देना है, अपने बच्चों का ध्यान, अपने बच्चे का ध्यान देना है। तो सुबह उठ करके नहाने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, आराम से धूप निकल जाए, आराम से पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, उसके बाद नहाइएगा। ज्यादा नहीं नहाना है और चावल नहीं खाना है। रात में आप कोशिश करिए कि गीली गीली दलिया बनाइए। ये खाना अगर आप खाने लगे ना तो आपको ताकतवर स्ट्रांग तो बनाएगा बनाएगा, लेकिन मैं 1000% आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। दो अनाज एक साथ ना खाए, जैसे कि दाल रोटी चावल, तीन हो गए ना, तो तीनों ही अनाज हो गए, तो जब ये खाएंगे तो पेट निकलेगा ही निकलेगा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि रात में आप या तो ओट्स खाएं, मसाला ओट्स आता है, व्हाइट वाला एक ओट्स सादा आता है, सादे को आप फ्रूट्स डाल दीजिए उसमें, और बादाम डाल दीजिए, काजू किशमिश डाल लीजिए दूध में, वो खाइए, बहुत ही हेल्दी है। और मसाला ओट्स आता है, नमकीन है, उसमें सारी सब्जियां मिला लीजिए, वो शाम को बना लीजिए, अच्छी तरीके से पेट भर के खाइए। दाल चाहे तो दाल में, दाल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। गीली गीली दलिया बनाइए, सूखी मत बनाइए, उसमें एक कटोरी थोड़ा ज्यादा भर करके अरहर की दाल डालिए, एक चम्मच भर के घी डालिए, और चुकंदर है, टमाटर है, सलाद है, हरी सब्जी है, सब कुछ अपने साथ रखिए। सलाद जरूर खाइए, कोई फ्रूट से खा सकते हैं तो खाइए। जब दलिया खाएंगे, दलिया भी पतली दाल भी पतली, तो ये क्या होता ना कि बहुत जल्दी हजम हो जाता है। जब हजम हो जाएगा तो आपको फैट बनने नहीं पाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप कोशिश करें कि जीरा पानी और थोड़ा सा अदरक डाल करके ये पानी गुनगुना लेना। अगर आप शुरू करेंगे तो आपका वेट कभी भी बढ़ने नहीं पाएगा। लेकिन जीरा पानी क्या है ना कि जीरा पानी जब पीने लगे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से आदमी कमज़ोर होने लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो करी हूँ, मैं बता रही हूँ कि 3 महीने आप कोशिश करिएगा कि जीरा पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर होती है, और इतना और भी ज़्यादा जीरा जो है अदरक बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, क्योंकि बड़ी जल्दी से फैट्स गलने लगते हैं इसमें, ठीक है। अब जो बहुत मोटा है तो उसका इतनी जल्दी नहीं दिखेगा कि गलने लगे, और डिलीवरी के बाद इतना कौन सा मोटा हो जाते हैं हम लोग। तो इतना कोशिश करिएगा कि चावल छोड़ दीजिएगा 3 महीने के लिए, दुपट्टा बांध के रखिएगा पेट में, मसाज तो होती है, नाउन आएंगी तो अच्छी तरीके से पेट का मसाज करवाइएगा। और जो है रात में हो सके तो लिक्विड खाना खाइएगा, दलिया दाल किसी की मत पे मत छोड़िएगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस तरह से करती थी, और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, गांव में मेरा मायका है, तो मेरी चाची दादी भाभी और जो परिवार में जब होते थे तो मैं सब देखती थी सुनती थी कि भाई दुपट्टा टाइट बांधे रहें, मालिश जब करें तो पेट के बल लेटिए, तो ये सब होता था। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सब फॉलो करेंगे ना तो कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा। अब खाना खा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी खा लिए, उसके ऊपर ढक ठंडा पानी एक बोतल पी लिए, तो भैया ये पेट निकलने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो खाते भी रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है। इकट्ठे नहीं कि पूरा भर के थाली खाए, बहुत भूख लगती भाई, मुझे तो बड़ी भूख लगती थी, क्योंकि भाई बच्चा जब दूध पिएगा तो भैया आपको जब स्तन पान कराएंगे तो आपको भूख लगेगी, और भूख जितनी बार लगे उतनी बार खाइए आप। बिल्कुल ये ना सोचिए कि मैं मोटी हो जाऊंगी, ये सब बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन खाना ऐसा होना चाहिए हेल्दी भी हो और आपको नुकसान भी ना करे। ओट्स का इस्तेमाल जरूर करिएगा, दोनों तरीके का ओट्स मंगा के रख लीजिएगा। ये देखिए, ये है मसाला ओट्स, ठीक है, ये मसाला ओट्स है। बिल्कुल कैसा लगता है टेस्ट इसका, बिल्कुल मैगी जैसा, लेकिन है क्या, जौ ओट्स का से बनता है, जौ से, जौ मोटा अनाज होता है, आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा करता है। तो इसको क्या करें, डाल दीजिए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए, हरी सब्जी डालिए, और पतला पतला थोड़ा सा लिक्विड टाइप के बनाइए, और देसी घी डालिए, बस क्या वेट बढ़ नहीं सकता आपका कभी। और एक ये है ककोला ओट्स,
ये व्हाइट कलर का है, सादा है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बस ऐसे ही है। इसको कैसे बनाना है, दूध में डाल दीजिए, केला डाल दीजिए, सेब डाल दीजिए, किशमिश डालिए, बादाम, काजू, जो कुछ डालना है इसको भी दूध में डाल के पका लीजिए और खाइए। कितना हेल्दी ये सब चीजें हैं कि आपको भी फायदा करेंगे, बच्चे के लिए दूध भी खूब ज्यादा उतरेगा, दूध दूध की कोई कमी नहीं होगी, दूध की कमी होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा भोजन करें आप, ऐसा भोजन करें जैसे हमने आपको दिखाया है ना, ऐसा। दाल का पीछा मत छोड़िएगा, ये बहुत पुरानी चीजें हैं कि जो है जच्चा को बच्चे का दूध उतारने के लिए दाल दिया जाता है, आज नहीं, ये बहुत पहले से है। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको आपके लिए और लेकर आती रहूंगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस। नमस्ते दोस्तों।